कि आपको यहाँ पे दो दिन के लिए खाना फ्री मिलेगा। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और वेलकम टू माय चैनल ब्लॉगिंग हंग। रिसेंटली मैंने अपने एक इंस्टाग्राम हैंडल पे एक पोल डाला था कि जैसे कि नोएडा और गाज़ियाबाद में लॉकडाउन खत्म हो रहा है तो सारे रेस्टोरेंट वगैरह कैफे धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, तो मैंने वहाँ पोल किया था कि आपको कौन सा व्लॉग देखना पसंद करेंगे मेरे थ्रू, फूड व्लॉग या फिर मार्केट व्लॉग। तो अधिकतर आप सभी ने फूड व्लॉग को वहाँ पे पोल किया था, थैंक यू आप सभी का। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना ब्लॉगिंग हंग अंडरस्कोर के नाम से, जहाँ पे मैं ऐसे पोल डालते रहता हूँ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने और आज मैं आया हूँ गाज़ियाबाद में एक सायाबाद के बहुत ही जायकेदार रेस्टोरेंट में जिसका नाम है हंगर पॉइंट, जो कि मेरे पीछे है और ये फेमस है अपने तंदूरी और चाइनीज़ जायके के लिए। तो चलते हैं, आपको ले चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ यहाँ पे आपको किस तरीके के जायकेदार फूड मिलता है इस फूड ब्लॉग में, और आपको दिखाता हूँ मैं हंगर पॉइंट का डिलीशियस फूड। तो चलिए चलते अंदर। नमस्कार भैया, ये हमारे वंश भैया हंगर पॉइंट के ऑनर। सर कैसे आप? बढ़िया सर। बढ़िया, मैं भी बढ़िया। तो सर जैसे कि ये मतलब जाना पहचाना रेस्टोरेंट है, अभी रिसेंटली आपने बताया कि ये ओपन हुआ है, तो क्या खासियत है आपकी इस हंगर पॉइंट की? जी हमारे पास तंदूरी आइटम है यहाँ पे हैदराबाद में, जी जी, जो हमारी बहुत ज़्यादा ही सेल है। अच्छा। मलाई चाप हो गई, अच्छा, मसाला चाप हो गई। अच्छा। हमारे जो चिली पटेटोज वगैरह होते हैं वो काफ़ी क्रिस्पी होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये कि मतलब आप तंदूरी में और चाइनीज़ में काफ़ी अच्छे डील करते हैं। अच्छा, आप जैसे कि रिसेंटली ओपन किया तो कस्टमर का क्या फीडबैक है, वो क्या बता रहे हैं? कस्टमर का काफ़ी अच्छा फीडबैक है सर। अच्छा, टेस्ट सबको काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, बाकी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारे को, स्टार्टिंग में से इतना स्टार्टअप ठीक है नहीं मिलता, लेकिन हमारे को काफ़ी अच्छा। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप ऐसे ही धीरे धीरे ग्रो करते रहे। आप हमारे ऑडियंस को अपने हंगर पॉइंट के कौन से फेवरेट डिशेज आप हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे? हम आपको अपने फेवरेट जो ज़्यादा सेल आउट होते हैं, जी जी, मलाई चाप हो गया, ठीक है, ठीक है, पनीर मोमोज, क्या बात है, ठीक है, और आपके लिए स्पेशल बनवाते हैं मलाई चाप पहले, मलाई चाप, ठीक है। तो जैसे कि वंश भाई ने हमें बताया कि यहाँ पे जो फेमस है वो इनका मलाई चाप है, चिली चाउमीन है और पनीर मोमोज है, और उन्हें एक रिसेंटली मैंने मेन्यू में देखा था, मैं आपको एक मेन्यू दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे मेन्यू में देखोगे तो मेन्यू में इन्होंने एक मुझे बहुत फेवरेट है मेरा पास्ता, इन्होंने वो स्टार्ट कर दिया, वो है इनका वाइट सॉस पास्ता। तो आज मैं टेस्ट करूँगा इनका वाइट सॉस पास्ता और इनका चाउमीन, इनकी चिली, इनके पनीर मोमोज, और आपको दिखाता हूँ कि हंगर पॉइंट का जो फूड है ना, जो पब्लिक इतनी क्रेजी है फूड के लिए, वो कैसा होने वाला है। और वंश भाई ने एक ऑफर भी रखा है कि आपको यहाँ पे दो दिन के लिए खाना फ्री मिलेगा, 2 अक्टूबर को और 26 जनवरी को। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जोक सपाट है, तो ठीक है आपको मैं अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ का पूरा हंगर पॉइंट का इंटीरियर कैसा है। करें स्टार्ट? बिल्कुल जी। चलो चलते हैं अंदर। आइए आइए सर, आपको हम अपना इंटीरियर दिखाते हैं। सारी की सारी थीमिंग, सारी फ्रेमिंग, सारे थॉट्स हमारे अपने आइडियाज से हैं। यहाँ पे आप सारे आके अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह लेनी हो आपको काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ के व्यूज मिलेंगे, काफ़ी अच्छी अच्छी थीम्स हैं, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड आएगा आपकी फ़ोटोज़ के लिए। 10-15% आराम से आके सिटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, एक बार ज़रूर आइए, एक बार हमारे को भी सेवा का मौका दीजिए आप। चिली पटेटो की पहले आपको मेकिंग दिखाते हैं। चलिए करते हैं जी। आइए सर। जैसे देखिए आपने चिल्ली की मेकिंग तो मैंने आपको दिखा दी, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं तंदूरी मलाई चाप का दिखाता हूँ। तो भैया आप निकालने वाले, और जैसे कि मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, और ये देखो, तो इसमें क्या क्या डालोगे आप? क्रीम मक्खन मलाई। अच्छा, और इसमें और कुछ नहीं? वाह। सही है, तो आप थोड़ा जायकेदार बनाना कि स्वाद आ जाए खाने में ना, मतलब कोई हम ही बोले आ गया स्वाद वैसा करके। चलो ठीक है, मैं और आपको दिखाता हूँ इंटीरियर से कि आप देख सकते हो पीछे, तो
यहाँ पे सिटिंग जो अरेंजमेंट है काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे अगर आप बर्थडे पार्टी के लिए आते हो, गेट टुगेदर के लिए आते हो, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। आप यहाँ पे आके आप पिक्चर वगैरह क्लिक करा सकते हो, जैसे कि आपने देखा थॉटफुल वहाँ पे फ्रेम थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इन्होंने इंटीरियर पर ध्यान दिया है वंश भाई ने। और आप आओ एक बार, इनको सेवा का मौका दो, और बाकी मैं आपको फूड टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसा जायका होने वाला है आगे फूड का। तो वीडियो को बने रहना वीडियो पर, और हाँ सब्सक्राइब करें भी ना मजा ना, चलो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए। चलो दिखाता हूँ आपको फूड, और हमारे पास आ चुका हमारा फूड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वंश भाई हमें आज दिखाने वाले हैं चिली पोटैटो, पनीर मोमोज, वाइट पास्ता एंड माई फेवरेट मलाई तंदूरी चाप। तो अगर आप मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज का जो भैया ने फाइनल टच डाला है वो काफ़ी अच्छा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाइट पास्ता विथ मेयोनीज, तो काफ़ी डिलीशियस इन्होंने टचअप डाला है ऊपर विथ जिंजर और मिंट के साथ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और इस तरफ है हमारी चिली जो थोड़ी बहुत अभी मेल्ट हो चुकी है ड्यू टू थोड़ा बहुत ठंडा फुंडा। और ये मेयोनीज विथ वेजिटेबल्स है, ये अनियन विथ गार्लिक सॉस, और ये हमारे पनीर है विथ पनीर मोमोज, और ये हमारे मलाई चाप। तो टेस्ट करते हैं और मैं बताता हूँ आपका कि ये हंगर पॉइंट का फूड किस तरीके का होता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑल और ये गुड है, तो अगर आप यहाँ पे आओ तो वाइट पास्ता ज़रूर ट्राई करना। अगर आप नियर बाय साइबाबाद रहते हो, गाज़ियाबाद रहते हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, और अपने फ्रेंड के साथ या कोई बर्थडे सेलिब्रेशन करता हो वो अभी यहाँ पे आप आके कर सकते हो। काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंटीरियर है, सिटिंग मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, और फूड तो लाजवाब है। तो हंगर पॉइंट के डिलीशियस फूड के बाद अब मैं आपके मिलाता हूँ वंश भाई के साथ दोबारा। आज जानते हैं कि आप अगर आप यहाँ पे आते हैं फूड कंज्यूम करने आते हैं हंगर पॉइंट के, तो आपको कैसे कैसे यहाँ पे आप आ सकते हो। तो वंश भाई हमारे व्यूज़ को बताया कि अगर यहाँ पे कोई आना चाहे तो पार्टी के लिए या फूड के लिए तो कैसे आना पड़ेगा, नियर बाय क्या चीज़ रहेगी। नियर बाय आपके अगर आप मेट्रो से आते हैं तो श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन साहिबाबाद जी पुलिस चौकी के पास, ठीक है। बाकी मदर डेयरी के नियर बाय है, एसटी जॉनसन पब्लिक स्कूल है यहाँ पे, बिल्कुल साथ में ही है, आप आ सकते हैं जब मर्जी। और जैसे कि भैया ने ऐसे कह दिया कि आप जब मर्जी आ सकते हो, फूड मैं बता रहा हूँ उनको रिकमेंड करके, यहाँ पे जो वाइट पास्ता है ना वो मैं सकता हूँ कि यहाँ का वो फेवरेट है, क्योंकि उसमें जो इन्ग्रीडियंट्स मिले हुए हैं ना वो जब आप खाते हो तो बस मन कर जाता है, मन खुश हो जाता है। चाप कैसी लगी आपको? चाप बहुत बढ़िया लगी वंश भाई, मतलब सॉफ्ट था, उसका फ्रेगनेंस भी अच्छे थे, जो कोयले की उसमें खुशबू आती है, क्योंकि चाप के अंदर तक कोयले की खुशबू ना है तो वो थोड़ा स्मो डाउन होता है, पर लेकिन हाँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी जैसे कि आप देख सकते हो पूरा आपको इंटीरियर मैंने दिखा दिया है, ऑन रोड पड़ेगा आपको, और यहाँ पे आपके ज़रूर आए। तो आइए बर्थडे पार्टीज़ के लिए आइए, डाइनिंग के लिए आइए, अब कुछ ही टाइम बाद हम नॉर्थ इंडियन भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो ठीक है गाइस, ये थी आज का फूड का ब्लॉग वीडियो, और थैंक यू वंश भाई आपके अच्छे फूड्स के लिए। वेलकम। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कंसीडर द सब्सक्राइब दिस चैनल, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो ज़ाया ना जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बाय।